नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड। मेरा भाईंदर मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे के तबादले को लेकर शहर की जनता जागरूक हो चुकी है और इन्हीं जागरूक लोगों ने अब इस तबादले के खिलाफ में एक मुहिम चलानी शुरू कर दी है, जो कि फिलहाल एक विनंती के रूप में दिखाई दे रही है ये मुहिम, और आगे चल के ये एक आंदोलन का रूप भी धारण कर सकती है। ऐसे ही कुछ लोगों ने आज मनपा के बाहर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सामाजिक वर्करों ने आकर अपनी बात रखी। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका इस तबादले को लेकर। आज हम लोग जो अफरा तफरी में हमारे आयुक्त का तबादला किया गया था, उसके निषेध के तौर पे हम जो महिलाएं आए हैं, पूरी सामाजिक मीरा भाईंदर में एक सामाजिक स्तर पे काम करने वाली महिलाएं हैं, जो जमीनी स्तर पे COVID-19 के सुखद दुख सारे अनुभव को देख चुकी। सुखद अनुभव इसीलिए कहूँगी सबसे पहले कि यही लोगों ने, महिलाओं ने उठ के इस COVID-19 को संभाला था जब ये नेता लोग सोए हुए थे, और आज किसकी गांज के ऊपर, किसकी दबाव के ऊपर हमारे जो आयुक्त हैं उनका तबादला किया गया है। हम इस चीज़ की मांग जरूर आप मीडिया के द्वारा करना चाहेंगे। मीरा भाईंदर को क्या ट्रेनिंग सेंटर समझ के रखा है या अपनी निजी जायदाद समझ के रखा है ये नेताओं ने, कि जब भी आए ये लोग आयुक्तों को, एक IAS ऑफिसर अपनी पढ़ाई में कितना माहिर होता है, किस तक पहुँचता, तब जाके उनको जमीन स्तर का अनुभव रहता है, जनता की समस्याओं का अनुभव रहता है। COVID-19 में इन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं किया, तो आपने सिर्फ नकारात्मक विचारों को जनता के सामने रखा है। ये सिर्फ एक छठिक मात्रा में आपको एक डेमो दे रहे हैं, हम लोग आंदोलन का एक संक्षिप्त रूप दे रहे हैं। बादला नहीं रोका गया तो तीव्र आंदोलन से मीरा भाईंदर को गुजरना पड़ेगा और इसकी आवाज़ विधान भवन तक गुजरेगी। कि जब आयुक्त साहब यहाँ पर आए तो टेम्बा हॉस्पिटल क्या था, एक खंडेर था, खंडेर। आज उसको हॉस्पिटल बनाने में बहुत बड़ा सहभागी हमारे डांगे साहब है, और आज बाकी के हॉस्पिटल में भी कितने वेंटिलेटर, क्या है, क्या सुविधा है, वो सब सुविधा डांगे साहब ने किए। अगर आने वाले आयुक्त से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने के बाद भी आज उन्होंने आके तुरंत ये कार्यभार संभाला और बहुत से उनको जितना हो सका उतना कंट्रोल भी किया, और उसमें सबका सहभाग भी चाहिए, पब्लिक ने सुनना भी चाहिए। सिर्फ एक प्रशासन अधिकारी की प्रशासन होके ये कोरोना रोक नहीं सकता है, ये सबको मालूम है। सिर्फ नेताओं के दबाव में घर में बैठ के वो लोग दबाव डाल रहे हैं, वो लोग कुछ कर नहीं रहे और जो काम कर रहे हैं उसमें अड़थना डाल रहे हैं, ये गलत है। और अगर तबादला रुका नहीं तो हम इससे तीव्र आंदोलन करेंगे। जय हिंद सेना। उनको 4 महीने ही हुआ है, फेब्रुवरी में उनका पोस्टिंग हुआ था, 4 महीने में कैसे पता चला कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ले के, उनके साथ मीटिंग्स करके जो डांगे साहब कर रहे हैं, सबको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं ले रहे थे कोरोना के पेशेंट, लेकिन आज सबको प्रेशराइज किया, सबके साथ मीटिंग करके जो उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है, वो मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग ये नहीं मान रहे। आप लोग यहाँ मीरा भाईंदर के जो लोग रह रहे हैं उनकी भी आप राय ले लो ना, उनका भी ओपिनियन ले लो कि आपको क्या चाहिए। हमेशा ये होता है कि जो अच्छा काम करने वाला आता है बंदा, उनको आप लोग निकाल देते हो। एटलीस्ट 6 महीने का तो टाइम दे दो उनको, जबकि यहाँ पे जब अपोजिशन के प्रवीण दरेकर जी यहाँ पे आए, उन्होंने काम देखा, उन्होंने उनकी प्रशंसा की, लेकिन सत्ताधारी को क्यों नहीं दिख रहा है ये सारी चीज़ें। अभी आप अगर आयुक्त जिम्मेदार है कोरोना बढ़ने के लिए, तो आप सबको पता है कि टेम्बा की इसके पहले हालत क्या थी। पिछले साल उसके पहले दर दिन एक मौत हुई यहाँ पर टेम्बा में, हमने आंदोलन भी किया टेम्बा में। ये जिम्मेदारी सिर्फ आयुक्त की है, आरोग्य विभाग या अधिकारी की नहीं है। उनका तबादला होना चाहिए, या फिर ठाणे जिला के जो पालक मंत्री है वो भी जिम्मेदार है, उनका भी रिजाइन लेना चाहिए, उनका तबादला होना चाहिए। यानी सिर्फ आप कमिश्नर को, जो मीरा भाईंदर का खाली उनको टारगेट क्यों कर रहे हो आप लोग? हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पालक मंत्री का तबादला करना चाहिए, जो आरोग्य विभाग के अधिकारी है उनका तबादला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मायने रखती है, लेकिन एक को अगर आप कर रहे हो ना, तो इसका, जैसे सरिता जी ने बोला है ना, इसका एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया है। हम लोग जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, इन्होंने इतना सपोर्ट किया तो हमें नहीं लगता कि वो कहीं पे काम गिरे। अगर ये तबादला नहीं रोका गया तो जैसे हम लोग ने पहले ही सोचा है कि ये बड़ी आवाज़ बन के आगे आएगा, ये प्रशासन ध्यान में रखे। पिछले कई सालों में ये बात देखने में आई है कि यहाँ के जो राजनीतिक नेता है अपने राजकीय स्वार्थ और व्यावसायिक स्वार्थ के चलते आयुक्तों को बदलते रहते हैं। यहाँ पे आयुक्तों को बदलने की पुरानी परंपरा चलती आ रही, 2 महीने में 3 महीने में आयुक्त बदलना, इससे शहर का कहीं हित नहीं होता है
और आयुक्तों को उचित समय भी नहीं मिलता है। तो ये जो परंपरा बदलनी चाहिए, और मीरा भाईंदर की जनता आप देख रहे हैं, महिलाएं जागरूक हो गई है और कल से ये मूवमेंट चला हुआ है। बहाना तो कोविड का है, पर यहाँ के कुछ राजकीय नेता जो है या यहाँ के कुछ लोक प्रतिनिधि है, उनके व्यावसायिक स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है, इसके बदले ये तबादला हुआ है। इसका हम घोर निषेध करते। तुम्हारे आपने देखा होगा कि जनता का भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक नेता को तो लोगों ने घर में बिठा दिया है, अब दूसरा भी नेता अगर इस तरह की बदमाशियाँ करेगा, मस्ती करेगा, तो उसको भी घर में बिठा देगी। मीरा भाईंदर की जनता इतनी सक्षम है, तो ये जनता समझ ले कि इस तरह की बदमाशियाँ न करे, शहर के हित का विचार करे, जनता के हित का विचार करे। और जो एक बार बार आयुक्त की क्यों बदली होती है, या सालों से घूम फिर के यहीं पे आते हैं, यहीं पे डेरा डाले बैठे हुए, ऐसे अधिकारियों का भी तबादला होना चाहिए, उनमें इनका क्या इंटरेस्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका घोर निंदा मैं भी करता हूँ। और मीरा भाईंदर की जनता आज इस विरोध में प्रतीकात्मक रूप में यहाँ आई हुई है, अगर इसका जनता के भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग राजनेता के विरोध में भी यहाँ मैदान में उतरेंगे। जनता ये निर्णय मन बना चुकी है, तो ये अच्छी तरह समझ ले नेता लोग कि आप लोगों की बदमाशी नहीं चलेगी, ये डोमारी का खेल नहीं चलेगा, आपकी मर्जी है इसको लाया, आपकी मर्जी है उसको हटा दिया, ये नहीं चलेगा, अच्छी तरह समझ ले। आपको राजनीति में टिके रहना है तो मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे ने भले ही अपनी कुर्सी छोड़ दी हो, अपनी कैबिन छोड़कर चले गए हो, लेकिन उन्होंने मीरा भाईंदर शहरवासियों के दिलों में जो जगह बनाई है, जो मकाम हासिल किया है, उस मकाम से उन्हें कोई उतार नहीं सकता है। जिस तरह से इन महिलाओं ने, इन सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जो संगठनाएँ, इन्होंने आकर इस तबादले का विरोध किया है, अब ये एक मुहिम की शक्ल में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर शहर में एक आंदोलन के रूप में भी खड़ा हो सकता है। आप देख रहे हैं अजीम तामुली और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।